हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। और आज शनिवार दिन है तो ब्लैक साड़ी पहने हैं, घर पे आ गए और ये सब आप लोग देख रहे होंगे। और इसमें जो वीडियो डाल रहे हैं वो पहले का कुछ रखे हैं तो टाइम नहीं मिला कि डालें। टाइम के बात नहीं, मन सही नहीं लग रहा था इसकी वजह से वीडियो नहीं डाले थे। और आज हम घर पर आ गए, घर पर आए तो अच्छा लगा घर देख कर। जैसे हम छोड़ के गए थे वैसे ही हम पाए हैं, हमको बहुत बढ़िया लगा है। और सब फाई भी कुछ रंजना कर दी है तो नवमी नवरात्रि आ रहा है, उससे पहले किचन उचन सब धुला गया है ऊपर से, उसमें का सिलाप रेक जो काम वाली आती हैं आंटी जी वो और रंजना मिल के सब धुल लिया है लो। तो आज हम आंटी जी से बात कर रहे थे कि उसको धुल दीजिएगा कि नॉनवेज वगैरह अब नहीं बनेगा उसमें, तो वो बोले कि नहीं नहीं हम लोग धो दिए हैं आपसे आपके आने के पहले। तो अच्छा लगा कि साफ़ सफाई होना भी चाहिए। और क्या है कि उसमें का मसाला का डिब्बा वगैरह जो भी नमक उमक का जो भी सामान था वो सब खाली कर करके रंजना धुल दी है तो अच्छा लगा है। और इनके पापा चले गए हैं, सुबह ही नाश्ता करके वो चले गए हैं स्कूल। और हम गए 24 घंटा हो गया है सोए नहीं हैं, एकदम मन अजीब सा हो गया है। सुबह का 6 बजे निकले थे और 6 बजे सिवान में उतरे हैं, पूरे रात बैठ के सुबह हुआ है और एकदम बेकार लग रहा था। तो चलिए, माँ बाप का कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। तो हम लोगों तो आदत है रात में जगना, या प्रिंस आए हैं तो प्रिंस सो गए हैं। तो बिना देरी किए लेके चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। वीडियो देखिए, और पहले का कुछ है इसमें जो हम बेंगलोर थे वहाँ का, तो आप लोग देखिए और एंजॉय कीजिए। तो आजकल पूजा का ड्यूटी बन गया है स्कूटी चलाने का। और यहाँ पे देखिए जा रही है, हमको लेके जा रही है मार्केट। देखो पीछे वॉकर साइड कर, धीरे धीरे लेके जाना है एकदम, थोड़ा दूर चला लेना, देखना कि चल रहा है कहीं तभी लेके जाना, नहीं तो ऑटो चले जाना। ओके, तुम कहाँ रेडी रहेंगे तो नहीं चलो। ना ना, लेके नहीं जाना, तुम नहीं जाएगा, तुम गया था पापा के साथ चलेंगे। पापा के साथ जाना, जा रही है बाय। मम्मी जा रही है अभी कुछ काम से जा रही है। देखते हैं
नानी इज अ देवी प्रसाद। नानी इज अ देवी प्रसाद। रंजू देवी को देवी प्रसाद। तो अनुष्का यहाँ पर है और अनुष्का तो रील बनाई नहीं है मेरे साथी, तो बहुत अच्छा अच्छा रील बनाती है अनुष्का, देखिए इसको रील बनाते देखिए। रील बनाती है खूब मस्त। अनुष्का थोड़ा सा हेल्दी हो गई है पहले से, इसका हड्डी दिखाई देता था। तो गाइस आप लोग अनुष्का का आईडी फॉलो कीजिएगा, हमारे घर के न्यू यूट्यूबर बनने वाली है। हाँ अनुष्का भी यूट्यूबर बनने वाली है बहुत जल्द। ऐसा थोड़ी है रील बनाने से यूट्यूबर बन जाता है, रील तो सब कोई बना रहा है आजकल। नहीं इसका इंस्टाग्राम है, सबका इंस्टाग्राम होंगे, सब लोग बनाती थी ना घर पे इंस्टाग्राम। ले दो हैं मुंह से बोलो मुड़ी के। हाँ बनाती थी। कौन कौन गाना, जैसे गाना गा के बताएगी इसको अपने प्रोफाइल का। भाई मोहन का गाना गाती थी इसको अपने प्रोफाइल का सब गाना याद है। एक दिन तीन चार को इसके प्रोफाइल से बजाए तो चौथा बार बोल रही है हम बनाए हैं। फिर अगला गाना भी बोलती है ये हमारा है। भाई बहन लगाएगी क्या गाती है गाओ गा देगी। तो दीदी आएगी घर तो आना है, ठीक है ठीक है ना, फिर आएगा तो कोई ना कोई। जीजू को छोड़ दो, जीजू का तो छोड़ो मजाक करने वाले। अभी अच्छी जब दे रही थी उनको बोलिए चलो बोलती है कोई चीज नहीं है। हम ही खरीदते हैं आपके लिए कवड़ा ये मत। हाँ जीजू और जीजू और रंजना भाभी लिया रंजना भाभी पसंद है इनको। आप तो भूमि वाली बोल बच्चन बहुत दे रही थी क्या आप सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो भाई रहे नहीं, मेरी बेटी है। क्या फायदा है सपोर्ट करेंगे? तुम्हारे जैसे आदमी नहीं ना कि नहीं करेंगे, मेरी बेटी है तो हम करेंगे नहीं। क्या सपोर्ट तो हमसे ज्यादा कोई नहीं करता। तू आया है दादा हम सपोर्ट सब सिखाना जरूरी होता है मम्मी। रात 12 बजे कोई जाके मोमबत्ती जला के बैठ जाएगा तो उसको आप बताएंगे ना कि बेटा गलत बात है ये, क्या बोलिएगा ये कोई मना मत करो। तो ये मोमबत्ती कहाँ जला के बैठी है? कोल्ड ड्रिंक पी रही थी ना अभी फ्रिज का फ्रीजर का। तो गाइस 12 बजे रात के कोल्ड ड्रिंक पी रही थी इसीलिए बोला जा रहा है इसको। और यहाँ पर ये बैठी है तब ठंडे ठंडे इसको अच्छा लग रहा है। सब लोग लगता तो होगा ही लेकिन क्या करें। लड्डू आओ एक खिला दे। सबसे वो मानना पड़ेगा क्योंकि सबसे बड़ा नहीं होता है। मैं ऐसे बचपन में बहुत ज़्यादा मीठा मौसम नहीं खा रहा, मतलब मुझे खट्टी नमकीन तीखा ज़्यादा। और आज है फ्राइडे तो अभी नहा धोवा के खाना पीना बन गया है, सब कुछ रेडी है। कैब भी हम लोग आ गया है, जाने को ले गया कल, हम लोग नहीं जा पाए तो अब देखते हैं उसी है, फ्लाइट में हम लोग का फिर आज का हुआ है तो आज निकलेंगे लोग और जा रहे हैं लोग। आज टाइम से हैं लोग, 10 बजे है फ्लाइट, अभी 6:30 हो रहा है तो आज पहुँचेंगे पहले हम लोग का आज हो जाएगा। तो चलिए आप लोग को यात्रा दिखाया जाएगा और हम लोग के साथ चलिए चलिए। यहाँ फ्रेंड्स सो रहा है आराम से और पूजा के घर से एयरपोर्ट 28 किलोमीटर है। कल तो हम लोग दूसरे रास्ते से आ गए थे, वो पतला वाला रास्ता था लेकिन आज थोड़ा अच्छा रास्ता है, हाईवे जैसा है तो इधर से हम लोग जा रहे हैं। गाड़ी से आ गए और यहाँ टिकट निकालो, तुम्हारे पास है टिकट, खाना उसको रख लो।
हमारे विंडो सीट मिला है और इनको मिला है, ये 8 नंबर पे हैं और हम 20 नंबर पे हैं, तो यहीं पे इनको बैठा लिया है, बोला है कि तो यहाँ का कुछ ऐसा है नज़ारा। SYJ का उड़ान अभी थोड़ी देर में होगा और हम लोग इस पे बैठ गए हैं, हम अपने जितने पास जा रहे लोग उतना अच्छा लग रहा है कि घर पहुंच जाएंगे। कितना दिन, 10 दिन हो गया रंजना को अकेले रहते हुए घर में, हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कोई नहीं। शिवान आ गए सुबह सुबह का टाइम और गुड मॉर्निंग गाइज आप लोग को भी, और यात्रा हमारा संपन्न हुआ आज का, और पूरे 24 घंटा लग गया इस यात्रा में, तो 2 फ्लाइट चेंज हुआ, 2 ट्रेन का चेंज हुआ और बहुत मुश्किल से हम लोग आ गए, लेकिन यहाँ पर देखिएगा इस कितने अच्छे से एकदम गेहूँ पक गया है मेरा, तो ये किसान का मेहनत से हम लोग खाते पीते हैं, उन लोग को मेहनत से ही हम लोग को रोटी मिलता है खाने का, और इसीलिए कहा जाता है कि अन्न को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। देखिए एक एक दाना इसमें से चुन के हमारे थाली में जाएगा, जो कि इसको बहुत मेहनत लगता है, और इसी तरह होता है परिवार परिवार को जोड़ को जो रखता है अपने फैमिली में, जो माँ बाप होते हैं, माता पिता होते हैं, उनको बहुत मेहनत लगता है और हर सुख दुख में हर जगह अवेलेबल रहते हैं, खड़े रहते हैं, चाहे बेटा हो बेटी हो चाहे जो भी हो, अपने हित नात हो उसको लेके चलना पड़ता है, चाहे कोई बुरा हो भला हो चाहे अच्छा हो चाहे कुछ भी हो, तो इससे हम लोगों को घबराना नहीं है और समय के हिसाब सब कुछ अच्छा हो जाता है, सब कुछ सही हो जाता है। हम तो बस छठ माता से यही विनती करेंगे कि मेरे भी परिवार जहाँ भी जो रहे सुखी रहे खुशहाल रहें, और लड्डू लाडो को छोड़ के आने का मन नहीं था लेकिन मजबूरी है कि आना पड़ा, और इधर रंजना अकेले थी इसके वजह से हमको अच्छा नहीं लग रहा था, तो हम सोचे कि नहीं अब कितना दिन रहेंगे, वैसे हम बेटी के रहने का मेरा ही नहीं था, लेकिन चलिए जो होता है अच्छा होता है, भगवान छठ मैया विपदा को टाल दी। और ये हमारी दाहा नदी है, देखिए कितना गंदा हो गया, काला पानी हो गया इसका, सब नाली का पानी है। तो अब हम लोग सिवान पहुँच चुके हैं, यहाँ चीनी मिल था जो हमारे यहाँ शुगर मिल, ये अब बंद हो चुका है। तो सिवान में भी बहुत कुछ था, पहले सोता फैक्ट्री था, ये था, ये भी बंद हो गया, ये सब ख़त्म हो रहा है, और सुधा फैक्ट्री को तो उसको चेंज करके उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया है, वहाँ बहुत अच्छा लगता है, सिवान हमारा डेवलप किया है बहुत बढ़िया। चलिए इसी तरह हंसते मुस्कुराते आप लोग भी रहिए, हम लोग भी रहे, और छठ माता मेरे भी वश को सही सलामत रखें, खुशहाल रखें, आप लोग का भी मनोकामना पूर्ण हो। और इसी के साथ हम लोग घर चल रहे हैं, और घर का अब देखते हैं ये रंजना हम लोग के लिए क्या क्या कर रही है, क्या बना रही है, क्या खिला रही है, और अब आगे चल के दूसरे वीडियो में आप लोग को मिलेगा देखने के लिए। तब तक आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, जुड़े रहिएगा, इसके लिए आप लोग को इतना प्यार करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद है, थैंक यू है। वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, खूब सब्सक्राइब कीजिएगा, खूब सारा प्यार दीजिए, और बहुत जल्द नवरात्रि आने वाला है और मेरा मंदिर को सजावट होगा और अच्छे से हम लोग इस बार करेंगे, इसलिए कि घर में कोई सपोर्ट करने वाली है तो साथ में मिल के हम लोग करेंगे, इस बार छठ भी करना है।